बारिश का अनुमान। देश के कई इलाकों में अगले 6-7 दिन में जमकर होगी बारिश। देश भर में लगी 38.96 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन के डोज। वैक्सीनेशन को और बढ़ावा देने की मांग। पीएम मोदी पवार मुलाकात पर शिवसेना ने कहा राष्ट्रपति पद के दावेदार बन सकते हैं एनसीपी प्रमुख। प्रियंका गांधी समेत सैकड़ों कार्यकर्ताओं पर केस दर्ज। धारा 144 के उल्लंघन का लगा आरोप। मध्य प्रदेश में सागर से ढाणा इलाके में सेना विमान रनवे से उतरा। ट्रेनी महिला पायलट सुरक्षित। नमस्कार, मध्य प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने स्थानीय कांग्रेस द्वारा आयोजित सामूहिक श्रद्धांजलि कार्यक्रम में शिरकत की। यहां पहुंचकर उन्होंने कोरोना काल के दौरान अपनी जान गंवा चुके लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए गहरा दुख व्यक्त किया। इसके साथ ही 2 मिनट का मौन धारण कर मृतकों को शांति प्रदान करने और स्वर्ग में स्थान देने की ईश्वर से प्रार्थना की। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा कि राहुल गांधी ने 12 फरवरी 2020 में हम लोगों को आगाह किया था कि सुनामी आने वाली है, भयंकर खतरा देश पर आने वाला है, लेकिन दुख की बात है कि हुकूमत ने इसे मजाक समझा और कभी थाली पीटी तो कभी ताली बजाई और मोमबत्ती और दिए जलाने जैसे काम किए, जिसके बाद कोरोना का मजाक बनाया गया। भोपाल में चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कोरोना की तीसरी लहर सहित कई मुद्दों पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कोरोना के पॉजिटिविटी रेट कम हो रहे हैं और रिकवरी रेट लगातार बढ़ रहा है। इसी के साथ कुछ राज्यों को नसीहत दी गई है कि कोरोना गाइडलाइंस का पालन करें, मास्क, सामाजिक दूरी और वैक्सीन का भी उपयोग करें। आगे उन्होंने कमलनाथ के ट्वीट पर कहा कि कांग्रेस को लाशों पर राजनीति करने की आदत है। कांग्रेस की 15 महीने की सरकार में तो ये पूरा प्रोजेक्ट ही पीसी शर्मा और कांग्रेस के नेताओं ने ठंडे बस्ते में डाल दिया था। यदि पीसी शर्मा चाहते या कांग्रेस चाहती तो ये तो एक साल पहले ही बनकर तैयार हो जाता। और उनकी लेट लतीफी के कारण, क्योंकि उन्हें ठेकेदारों से वो कुछ नहीं मिल रहा था जो वो चाह रहे थे, इसलिए पीसी शर्मा और कांग्रेस के नेताओं ने इस पूरे प्रोजेक्ट को, जो भारतीय जनता पार्टी का प्रोजेक्ट था, उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया था। स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री और धार जिले के प्रभारी मंत्री ने धार का दौरा किया। बीजेपी कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य और कानून व्यवस्था और जन कल्याणकारी योजनाओं में हमारा प्रदेश देश का मॉडल राज्य बना है। हमारी केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने में सफल हो रही है। स्वास्थ्य मंत्री ने कलेक्टर सभा कक्ष में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में विस्तार से जानकारी भी ली। तो इसलिए अभी हम लोग ये प्रयास कोशिश कर रहे हैं कि वैक्सीन अधिक से अधिक मिले और जितनी वैक्सीन हमको उपलब्ध होती है उतने ही केंद्रों पर लगाएं, जिससे ज्यादा भीड़ कर। धार नगर पालिका के असिस्टेंट इंजीनियर देवेंद्र कुमार जैन के घर लोकायुक्त तो पुलिस की टीम ने छापा मारा, जिसमें तीन डीएसपी के साथ दर्जन भर कर्मचारी मौजूद रहे। आय से अधिक संपत्ति की शिकायत के बाद टीम के द्वारा ये कार्यवाही की गई, जिसमें असिस्टेंट इंजीनियर के शासकीय निवास और अन्य जगह से करीब 15 रजिस्ट्री बरामद की गई, जो असिस्टेंट इंजीनियर देवेंद्र कुमार जैन और उनके परिवार के नाम पर दर्ज है। बताया जा रहा है कि संपत्तियों में कुछ इंदौर तो कुछ धार में मौजूद है। वहीं साथ ही डीएसपी शिव सिंह ने बताया कि उनके इंदौर निवास पर भी छापा मारा गया है, वहां सभी दस्तावेजों की जांच चल रही है। साथ ही टीम को बैंक की 15 पासबुक भी बरामद हुई है, जिनका अभी मिलान किया जा रहा है। जी जी जी, एक्चुअल में इनको एक कंप्लेंट शिकायत प्राप्त हुई थी कि इन्हें भ्रष्टाचार के जरिए आय से अधिक संपत्ति अर्जित की, जिसकी जांच की। जांच पर से प्रथम दृष्टया अपराध पंजीबद्ध किया गया और आज सर्चिंग में करीबन 15 तो रजिस्ट्रियाँ मिली हैं इनके नाम से, जो इनके इनके पुत्र और इनकी पत्नी के नाम पे, कुछ धार में है, कुछ इंदौर में है, और 4-5 रजिस्ट्रियाँ किसी दूसरे के नाम से हैं वो प्राप्त हो गई हैं। और एक छापा इंदौर में इनके जो निवास है वहाँ पर भी डाला गया, जिसमें भी जाँच चल। बेतहाशा बढ़ती महंगाई पर कांग्रेस विरोध प्रदर्शन कर रही है। इसी कड़ी में इंदौर के रीगल तिराहे पर पेट्रोल पंप के सामने विरोध प्रदर्शन किया गया।
जहां कांग्रेस नेत्री और पूर्व पार्षद सोनिया शुक्ला ने पोस्ट कार्ड अभियान चलाकर बीजेपी सरकार की कार्यप्रणाली को घेरते हुए विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेसी नेता सोनिया शुक्ला ने कहा कि लाखों पोस्ट कार्ड जनता महंगाई का विरोध करके अपनी मन की बात लेकर पीएम मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भेज रही है। इंदौर के विभिन्न स्थानों पर अनेक तरह से लगातार इसी तरह से प्रयास प्रदर्शन जारी है। सोशल मीडिया पर अश्लील वीडियो को लेकर इंदौर के व्यापारियों में काफी रोष है। वायरल वीडियो से नाराज निहालपुरा व्यापारी एसोसिएशन ने डीआईजी कार्यालय पहुंचकर लिखित आवेदन दिया। आपको बता दें कि कुछ दिनों पूर्व सोशल मीडिया पर एक युवक द्वारा महिलाओं के साथ अश्लील हरकत करने का वीडियो वायरल हुआ था, जो कि इंदौर का नहीं होने के बावजूद इंदौर का बताया जा रहा था। इसी बात को लेकर व्यापारियों का कहना है कि शहर की छवि इस वीडियो की वजह से खराब हो रही है। तो इंदौर में इस वक्त व्यापारियों में भारी रोष देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि व्यापारी संघ ने आज आईजी से मिलकर एक ज्ञापन सौंपा है, जहां पर अश्लील वीडियो पर कार्यवाही करने की मांग की गई है। आपको बता दें कि बीते दिनों एक युवक का वीडियो वायरल हुआ था, जो कि बेहद ही अश्लील था, जिसके बाद उस वीडियो में ये कहा जा रहा था कि वह वीडियो इंदौर का है, जबकि सत्यता पता करने के बाद पता चलता है कि वह वीडियो इंदौर का नहीं था, जिसके बाद से लगातार व्यापारियों में रोष देखने को मिल रहा है। उन्होंने आईजी को आज ज्ञापन सौंपा और कार्यवाही की मांग की, जहां उन्होंने कहा कि इस वीडियो की वजह से शहर की छवि खराब हो रही है। रतलाम के दीनदयाल नगर थाना क्षेत्र में लव जिहाद का मामला सामने आया है, जहां आरोपी पीड़ित युवती का आपत्तिजनक फोटो खींचकर उस पर जबरन धर्म परिवर्तन करने और लिव इन रिलेशनशिप में रहने का दबाव बनाया जा रहा था, जबकि आरोपी पहले से ही शादीशुदा बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि पीड़ित युवती की युवक से सामान्य जान पहचान थी, जिसका फायदा उठाकर आरोपी ने उसका आपत्तिजनक फोटो खींच लिया और अब उसे वायरल करने की धमकी देकर युवती पर जबरन धर्म परिवर्तन करने का वो दबाव बना रहा है। पीड़ित युवती की शिकायत पर दीनदयाल नगर थाने पर आरोपी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर आरोपी को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। तो शाम को एक रिपोर्ट हुई है, पीड़िता द्वारा रिपोर्ट की गई है, एक व्यक्ति रहता है जिसके साथ उसके बुरी नियत से उसके साथ में हाथ हाथ पकड़ा और फोटो वोटो खींचे और उस फोटो के आधार पर उसके साथ ब्लैकमेलिंग की जा रही थी। इसके आधार पर लड़की ने रिपोर्ट दर्ज की है और उस पर मुकदमा कायम किया गया है और आरोपी को आज गिरफ्तार। जमीन की धोखाधड़ी करने वाले रिटायर पटवारी को इंदौर एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार पूर्व पटवारी से एसटीएफ पूछताछ कर रही है। रिटायर पटवारी पर ग्राम पानंदा तहसील महू स्थित भूमि में अपने नाम कराकर बेचने का आरोप लगा है। इस मामले में आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। पूरे मामले में पहले भी कई आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है, लेकिन रिटायर्ड पटवारी लगातार फरार चल रहा था, जिसकी तलाश कई दिनों से जारी थी। प्रदेश में इस वक्त खनन माफियाओं के हौसले बुलंद हो चुके हैं। प्रदेश सरकार लगातार इन पर अंकुश लगाने का प्रयास कर रही है। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान माफियाओं को प्रदेश से बाहर करने की बात कहते हैं, लेकिन उनके बावजूद भी खनन माफियाओं का हौसला इस वक्त बुलंद होता दिखाई दे रहा है। ताजा मामला लौर थाना के सीतापुर के जंगल का बताया जा रहा है, जहां पर मऊगंज में पदस्थ वनकर्मी जंगल का भ्रमण कर रहे थे और उसी दौरान खनिज माफियाओं ने उन पर हमला बोल दिया, जिसमें दो वनकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। आनंद फानंद में दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। आपको बता दें कि सीतापुर व आसपास के इलाकों में दर्जनों की संख्या में अवैध खदान संचालित हो रही हैं। एक खदान का परमिशन लेकर यहां पर कई खदानें इस तरीके से संचालित की जा रही है। हाँ, एक वनकर्मी है, उसका नाम है आकाश शर्मा है। ये अपने सीतापुर बीट लगती इसकी, उस बीट में पहले से भी आता जाता था, कुछ लोगों को रोक टोक करता था, जो लोग वहाँ पर अवैध रूप से कुछ माइनिंग करते हैं। कल ये शाम को जब सीतापुर ग्राम गया है, उसी समय कुछ लोग इसको मिले हैं, चार लोग थे वो, जिसमें से एक का ये नाम जानता है। इसी बात पर से कि पुराना यहाँ रोक टोक करता रहता है, हमको मना करता है, उसके साथ विवाद किया और उसके साथ मारपीट की। उसके साथ मारपीट के बाद वो थाने गया, उसकी रिपोर्ट पर से पुलिस के द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया, जिसमें धारा 353, 294, 506, 341 अन्य धाराओं में कायम। भोपाल के थाना फंदा पुलिस ने शराब की कई पेटियों को एक बस से बरामद किया है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने चेकिंग के दौरान 6 पेटी शराब को बरामद किया है, लेकिन पुलिस की इस कार्यवाही पर अब सवाल भी उठने लगे हैं।
दरअसल शराब के साथ बस को सीज नहीं किया गया और सिर्फ शराब की पेटियों को ही कब्जे में ले लिया गया। इसलिए अब आरोप लगा है कि पुलिस इस मामले को दबाने की कोशिश कर रही है। तो भोपाल में इस वक्त पुलिस पर गंभीर आरोप खड़े हो रहे हैं। आपको बता दें कि बीते दिन पुलिस ने कार्यवाही करते हुए शराब की पेटियों को एक बस से बरामद किया था, लेकिन पुलिस की इस कार्यवाही पर अब गंभीर सवाल उठने लगे हैं। आपको बता दें कि पुलिस की इस कार्यवाही में बस को सीज नहीं किया गया, जबकि 6 पेटी जो शराब बरामद की गई थी उसको बरामद करके जब्त कर लिया गया है। इसी बात पर पुलिस पर अब बेहद गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं, जिसमें कहा गया है कि पुलिस पूरे मामले को दबाने की कोशिश कर रही है। आज कहने को हमारा समाज कितना सुरक्षित और शिक्षित हो गया है, लेकिन आज भी कुछ लोगों की सोच इतनी छोटी है, उन लोगों के बारे में क्या ही कहा जाए। ताजा मामला चैनपुरा महू का है, जहां न केवल दलित युवक को मंदिर प्रवेश से रोका गया बल्कि उसके साथ आए बारातियों से भी मारपीट की गई। विवाद तो इतना बढ़ गया जिसे देखकर युवक शादी के मंडप से उठकर सीधा थाने पहुंच गया। मामले की शिकायत दर्ज कराई गई। शिकायत के बाद पुलिस ने कार्यवाही करते हुए 3 लोगों को हिरासत में ले लिया, साथ ही इलाके में भारी पुलिस बल को तैनात कर दिया गया। पेंगोलिन एक ऐसा जीव है जिसकी दुनिया में सबसे ज्यादा तस्करी होती है। पेंगोलिन की तस्करी को रोकने के लिए जबलपुर काफी समय से कार्यवाही कर रहा है। इसी कार्यवाही के तहत क्राइम ब्रांच, WCCB और वन विभाग की संयुक्त टीमों को सफलता हाथ लगी है। टीम ने 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए तस्करों के पास से 8 किलो वजनी जीवित पेंगोलिन को बरामद किया गया है, जिसकी कीमत अंतरराष्ट्रीय मार्केट में लगभग 1,50,00,000 रुपए बताई जा रही है। तो जबलपुर में इस वक्त पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। आपको बता दें कि क्राइम ब्रांच की टीम ने वन तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि वन जीवों की तस्करी करने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, साथ ही उनके पास से 1 8 किलो वजनी जीवित पेंगोलिन को भी बरामद किया गया है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में काफी ज्यादा कीमत बताई जा रही है। सिंगरौली में एक युवक की लाठी डंडों से पीट कर कई लोगों ने हत्या कर दी। इस पूरे मामले पर पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। हत्याकांड की वजह है अवैध संबंध। वहीं पुलिस की माने तो यह पूरा हत्याकांड अवैध संबंधों को लेकर हुआ है। पुलिस के अनुसार मृतक आरोपी की पत्नी को लेकर कई महीनों से गायब था। इसी रंजिश से आरोपी ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। उखरावल के रहने वाले पप्पू उर्फ राजन शाह हैं। इनका उखरावल के ही हृदयलाल साय से आपसी विवाद है और इसी विवाद को लेकर के इनने मकोहर के पास में इनका झगड़ा हुआ कल रात में, और हृदयलाल अपने कुछ साथियों के साथ में इनके ऊपर हमला किया और मारपीट की लाठी डंडे रॉड से। इनके सिर में प्राणघातक चोटें आई थीं। अरविंद साय की सूचना पर थाना वर्णन चौकी शासन में इसमें 307 का अपराध पंजीकृत किया गया था। अभी हृदयलाल और उसके साथी पकड़े गए हैं, पूछताछ की जा रही है और जो भी आरोपी और होंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। रीवा के मऊगंज विधानसभा क्षेत्र में लंबे समय से हो रही बिजली समस्या को लेकर भाजपा विधायक के बाद अब कांग्रेस ने भी आंदोलन शुरू कर दिया है। बिजली समस्या को लेकर पूर्व कांग्रेस विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी द्वारा अभियंता कार्यालय के बाहर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में जगह जगह केबल टूटी और कटी हुई है, ट्रांसफार्मर खुले हैं, अघोषित बिजली कटौती हो रही है, जिससे किसानों के साथ आम आदमी भी काफी परेशान हो चुके हैं। इन्हीं सब समस्याओं को लेकर मऊगंज के भाजपा विधायक प्रदीप पटेल भी काफी लंबे समय से इसको ठीक कराने के लिए बात कह रही हैं। कई बार उनके द्वारा आंदोलन भी किया गया और रीवा अभियंता कार्यालय में गद्दा बिछाकर उनके द्वारा मौन धरना भी दिया गया, लेकिन लोगों की समस्या का कोई भी हल इस वक्त निकलकर सामने नहीं आया है।
तो रीवा में इस वक्त बिजली की समस्या को लेकर कांग्रेस का धरना प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि रीवा के ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की व्यवस्था इस वक्त बेहद खराब चल रही है। आपको बता दें कि लगातार लोगों को बिजली कटौती का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में लोगों की परेशानियों का संज्ञान लेते हुए कांग्रेस की तरफ से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन इस वक्त शुरू कर दिया गया है। आपको बता दें कि इससे पूर्व भी बीजेपी विधायक के द्वारा इसी प्रकार से धरना प्रदर्शन किया गया था और लगातार इस मुद्दे को भी उठाया गया था, पर अभी तक इस मामले में सुनवाई नहीं की गई है, जिसके बाद आज कांग्रेस की तरफ से ग्रामीणों के साथ मिलकर आज धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया है और आज से इस अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन की शुरुआत की जा चुकी है। हरदा के सिराली तहसील में एक आवास योजना से जुड़ा हुआ मामला सामने आया है। दरअसल सिराली के रानीपुरा मोहल्ले में रहने वाले आदिवासी महिला का नाम इंदिरा आवास की सूची में शामिल किया गया था, लेकिन बुजुर्ग महिला को अभी तक इसका फायदा नहीं मिला है। इसी वजह से बुजुर्ग महिला अभी भी झोपड़ी में रहने को मजबूर है। आरोप है कि इंदिरा आवास में पैसे का बंदर बांट किया जा रहा है, यही कारण है कि लोगों को योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा। अब देखने वाली बात यह है कि बुजुर्ग महिला की परेशानी को का कब तक हल मिल पाएगा और अधिकारी इस मामले की सुध आखिर कब तक लेते हैं। आपका नाम क्या? बुद्धिया भाई। बुद्धिया भाई, आपके पति का नाम? सुखराम। सुखराम, आपको और दादू? दादू, दादू। तो 2013-14 में आपको इंदिरा आवास का योजना के अंतर्गत आपको मकान का पैसा मिला है या नहीं मिला? नहीं मिला, नहीं मिला। जबकि आपका नाम तो आया हुआ है। नाम तो आया है, लेकिन मिला नहीं। हाँ, आपके द्वारा आज जो समक्ष में जानकारी दी है उसके अनुसार श्रीमती बुधिया बाई, पति श्री दादू जी सिराली के हैं, जो उनकी राशि आपके अनुसार और मतलब उनको नहीं मिली है और राशि निकल चुकी है। तो ये आप की जानकारी ये कि निकल चुकी है, ये किस आधार पर बता रहे हैं ये तो आप ही बेहतर जानते हैं, लेकिन हम उस इस केस की पूरी जानकारी हासिल करके और इस निष्कर्ष पे पहुँचेंगे कि उनका प्रकरण स्वीकृत हुआ था और राशि जारी हुई थी। यदि राशि उनको नहीं मिली है और यदि इसमें कोई रास्ते में बीच में गड़बड़ हुई है पाइपलाइन में और किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उस राशि को आहरित करके वो निराकरण कर दिया, तो हम उसके विरुद्ध पुलिस में एफआईआर दर्ज करवा के सख्त कार्रवाई करेंगे। और इसी के साथ मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।